गौड़ी महला पंजवा शलोक पतित असंख पुनीत कर पुनः पुनः बलिहार नानक राम नाम जप पावको तिन किलबिख दाहन हार। हुण सतगुरु महाराज अगे फरमाउंदे ने गौड़ी राग दे विच पंजवें पातशाह कृपा करदे ने गौड़ी दी तीसरी जाति उच्चारण कीती है। इत्थे थले छोटा जा तीन लिखिया है सलोक उच्चारण करदे ने पतत असंख पुनीत कर पुनः पुनः मलिहार नानक राम नाम जप पाव को तिन किल बिख दाहन हार। जो असंख ही पापियां नूं पवित्र करन वाला है अणगिनत पापियां नूं पवित्र करन वाला है उस उत्तों बार बार बलिहार जाना कर। महाराज फरमाउंदे ने हे मन उस परमात्मा दे नाम नूं जपना कर जो पाप को हुंदा अग्नि अग्नि रूप हो के किल बिख हुंदा पापां रूपी तिन हुंदा घा नूं साड़न वाला है। संत जाप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधो। हे मेरे मन तू परमात्मा दे अलग अलग नाम लैके उहदा परमात्मा दी जो उस्तत करिया कर ये सारे उहदे नाम ही ने। तू राम कह तू नारायण कह तू गोविंद कह तू हरि कह तू माधो कह इत्यादि के नामां नूं जपना कर। जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधो त्याए मना मुरार मुकंदे कटिया काल दुख फादो। हे मन तू मुकंदे जपया कर। मुकंदे हुंदा मुक्ति दा दाता मुक्ति दे दाते मुरारी नूं ध्याउणा कर। मुर आरी मुर दैंत नूं आरी हुंदा जो कटण वाला परमात्मा तां दुखदाई काल दी जो फादो है फाही है वह कट्टी जाएगी। इस शब्द विच गुरु साहब ने अकाल पुरख के किन्ने ही नाम लए ने कि सारे उहदे अपने नाम ने। जदों किरतम कर्म करदा तां उहदे नाम पै जांदे ने। जिन्हां ने कदे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी नहीं किया सुनिया भी नहीं पाठ कथा नहीं सुनी हुंदी उहनां कोल इह जिहे नाम लै दीए राम नारायण गोविंद माधो मुरार मुकंदे उह हुंदे तां विचारे अणजाण ने दिखावा तो करते सिखी का उन्हें पता नहीं हुंदा भी महाराज विच लिखे भी होए ने। ये गल का ज्ञान किसी नूं नहीं हैगा। इन्ने नौ गुरु ग्रंथ साहिब दे विच आए ने अकाल पुरख दे है सारे उहदे ही नाम ने। दुख हरण दीन सरण श्री धर चरण कमल आराधी है। जो दीन मन होकर शरण विच आए ने उन्हां दे दुख नाश करन वाला है। ते श्री धर श्री हुंदी माया धर हुंदा आसरा माया दा आसरा है वह वाहिगुरु दे चरण कमलां नूं आराधना करो। जम पंथ बिखड़ा अगन सागर निमख सिमरत साधी है। जमां दा रास्ता बड़ा कठिन है वह रस्ते च अग दा समुंदर है ये बचन गुरु अर्जन देव जी कह रहे ने। तो इस करके अग है ते सागर सागर हुंदा तो वैतरनी नदी हुंदी रस्ते विच जेड़ी मिज ते पाक दी वगदी बड़े बड़े जानवर हुंदे ने सूखम शरीर नूं उहदे विच दी खिच के लिजा जांदा पापियां नूं जिहड़े इत्थे बहुत डींगां जिहे मारदे उहनां नूं अगे जा के फिर तकलीफां झलनियां पैंदियां ने। जिहड़े उहीं मखौल जे करी जांदे रहिंदे ने जां तर्कवादी लोक हुंदे ने निंदक हुंदे ने उहनां लई सारा कुछ इह बणाया ही होया पहलां। जम पंथ बिखड़ा अगन सागर ये बड़ा भैड़ा थां है पर यह बचना निमख सिमरत साधी है। महाराज कहने निमख निमख काल वाहिगुरु का नाम सिमरदा सिमरदा उस रस्ते साधना करो निवृत कर लो। नाम ताइयों जपाईदा इत्थे तो सरी जांदा जिन्ना कु भी सरदा परालब्ध बनी हुई है पर जदों अगे परलोक नूं जाना उत्थे ना सरना। फिर महाराज कहिंदे उत्थे बहुत भैड़े रस्ते ने जिथों लैके जाना उन्होंने नाम ना जपण करके तकलीफ खड़ी हो जाती है। काल मलह दहता शुद्ध करता दिन सरैण आराधो। फिर महाराज बार बार कहिंदे ने जो कलयुग दे कल मलह पापां नूं दहता हुंदा साड़न वाला अते मन नूं शुद्ध करन वाला है दिन रात उहदे नाम दी आराधना करिया करो।
बिनवंत नानक करहो कृपा गोपाल गोविंद माधो। महाराज जी कथन करदने आ बेनती करो हे मायापति गोपाल गोविंद मेरे उपर कृपा दृष्टि करो जी। मैं ऐदा नाम नहीं जप सकता, तुहाडी मेहर होवे तां मैं नाम जप सकदा। तो आपां नूं इह बेनतियां करनियां पैणियां ने नाम लैण वास्ते। सिमर मना दामोदर दुख हर पै भंजन हर राया। हे मेरे मन जो दमोदर वाहिगुरु दुखां दे नाश करन वाला है अते जमा दा डर भी जिहड़ा है उहनूं भंजन खत्म करन वाला भन्नण वाला। महाराज कहें तू उस हरी राजे नूं सिमर ना कर। श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वच्छल बिरदाया। श्री रंगो हुंदा लक्ष्मी नूं आनंद देण वाला जो दयालु है। मनोहर हुंदा सुंदर मनोहर मन नूं हर लैण वाला मन दे हरने वाला जो खिंचण वाला अपने वल नूं। अते भगतां दा प्यारा जिसका धर्म है उहनूं सिमरना कर। महाराज सच्चे पातशाह फरमाउंदे ने भगत वच्छल पुरख पूर्ण मन है चिंदिया पाई है। भगतां दा प्यारा जो पूर्ण पुरख है उहदा सिमरन करके मन इच्छित फल पाउणा करो। तम अंध कूप ते उधार है नाम मन वसाई है। तम हुंदा अच्छा करके अच्छा हुंदा विशेष करके अन्ने खूह संसार तों जो उधारदा है उस नाम नूं मन विच वसाउणा करो। सुर सिद्ध गण गंधर्व मौन जन गुण अनके भगती गाया। देवत्यां सिद्धां देवते 33 करोड़ हो गए 84 सिद्ध हो गए। गाण हो गए टौणा ते छौणा गंधर्व हो गए हाहा हू हू। कोई कहे भी ये कित्थों लए नाम हाहा हू हू। जे सहज पाठ किया हो तो पता लग जाए गुरु ग्रंथ साहिब च लिखिया होया हाहा हू हू। गंधर्वां दे नाम गुरु ग्रंथ साहिब च लिखे हुए ने। मुनि जन जिहड़े ने मन मन प्रणाम गुण गण मुदाम अते अनेकां ही भगतां ने जिस दे गुणां नूं गाउणा कीता है। बिनवंत नानक करहो किरपा पार ब्रह्म हर राया। महाराज कहिंदे ने हे मन तूं ऐउं बेनती करके हे हरि राया पार ब्रह्म आप साडे ते किरपा करो जो तेरा नाम जपीए। चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर सर्ब कला जिन धारी। हे मनो परमेश्वर जो पार ब्रह्म है ना उहनूं याद कर जिन्हें अपनी कला शक्ति सारी सृष्टि विच धारी होई है। करुणा मैं समर्थ स्वामी घट घट प्राण आधारी। जो किरपा स्वरूप है ते समर्थ स्वामी है ते घट घट दे प्राण दा आधारी हुंदा आसरा है। प्राण मन तन जी दाता बेअंत अगम पारो। जो बेअंत प्रभु वाहिगुरु हर एक जीव नूं प्राण अते मन तन दे दाता देण वाला ते अगम शास्त्रां करके अपारो बेअंत है। सरण जोग समर्थ मोहन सर्ब दोख बिदारो। जो शरणायां दी रक्षा करन वाला है रक्षा करन जोग है वो मोहन सर्ब कला समर्थ है वाहिगुरु ते सारे दुखां नूं बिदारो हुंदा है नाश करन वाला है। अरोग सोग सब दोख बिनस है जपत नाम मुरारी। जिस मुरारी दे नाम जपण करके सारे रोग सोग अते दोख नाश हो जांदे ने। जदों कृष्ण जी ने मुरदैंत नूं मारिया सी उदों मुरारी नाम प्याण पैण करके ये नाम सीधा परमेश्वर दा ही बन जांदा अपना ही क्योंकि उहनां दे हुक्म विच ही जो होया सारा कुछ जोत उहनां दी कर्म करदी उहदे हुक्म विच ही सारा हुंदा नारायण दे हुक्म विच ही अकाल पुरख दे। इस करके सीधा नाम परमेश्वर दा ही पै जांदा। बिनवंत नानक करो किरपा समर्थ सब कल धारी। सतगुरु उचारद ने हे मन उहदे अगे आउं बेनती कर हे समर्थ सब शक्ति दे धारन वाले वाहिगुरु आप मेरे उत्ते भी किरपा करो जी। गुण गाओ मना अचुत अविनाशी सब ते ऊच दयाला। कहिंदे हे मन अचुत जो परमात्मा अगेड़ जिहड़ा नहीं दिखदा अगेड़ अविनाशी दे गुण गाउणा कर उह दयालु सब तो उच्चा है। विश्वंभर देवन कौ एक है सर्ब करै प्रतपाला। संसार दे भरने नूं अते सारयां दे देवन नूं एक वाहिगुरु ही समर्थ है अते सारयां दी वखो वख पालना करदा है।
प्रतपाल महादयाल दाना दया धारे सब किस है। ओ प्रतपाला करने वाला परमेश्वर महादयालु है, दाना दनाई वाला है, सब किसी उत्ते कृपा दृष्टि धारदा। काल कंटक लोभ मोह नासै, जीए जाकै प्रभ बसै। जिदे दिल विच वाहिगुरु वसदा है उहदे कंटक हुंदा दुखदाई काल लोभ मोह वगैरा सब नस जांदे ने। सो प्रसन्न देवा सफल सेवा भई पूर्ण काला, जिहदी सेवा कीती हुई सफल हुंदी आ, उह देव परमात्मा जद प्रसन्न होया तां इह जीव दी सारी काला हुंदी कमाई, इहदी कमाई कीती हुई फिर सफल हो गई। बिनवंत नानक इच्छ पुनी जपत दीन दयाला। महाराज कथन करदे ने दीन दयाल परमात्मा ने जपन करके मेरी जो इच्छा है वो पूरी हुई है। गौड़ी महला पंजवा। जिवें पिछे जे महाराज के पातशाह ने तीन सखियां का संवाद दिता सी, सो उस तरह इत्थे भी दस रहे ने एक ब्रह्म ज्ञानी है, एक ब्रह्म ज्ञान दे नेड़े तेड़े पहुंचे ही होया, एक हले शुरू करन लग्या। जिहड़ा शुरू करन लग्या परमात्मा वाले पासे दी शौक तां रखदा प्राप्ति दा, पर उस पासे दी सोझ ही नहीं है। उहनू फिर जिहड़ा मध्यम जग्यासु उह लै के जांदा पूर्ण पुरख दे कोले, जा के फिर उह आपस विच जो संवाद करदे ने उहदे बारे महाराज कथन करदे ने। सुन सखिए मिल उद्दम करे हां, मनाए लहै हर कंतै। हे सखिए सुनना कर, असीं आपस विच सारे मिल के उद्दम करिए अते हरी जो पति परमात्मा नूं मना लईए, परमात्मा नूं प्रसन्न कर लईए। आपां अपने मिल के आपां सारे जणे उद्दम करिया करिए, उठिए सिमन करिए बंदगी करिए। सगल उद्दम है उद्दम भला, हर का नाम जपो जी सदा, उद्दम करेंद्या जियो तू। महाराज कहने उद्दम करना, पर पिछे कह भी आए ने कुद्दम करे पस पंखिया। एक उद्दम हुंदा माया लई, एक उद्दम हुंदा परमात्मा की प्राप्ति लई, वो मम्मे नूं औंकड़ नाल है। एक हुंदा कक्के नूं औंकड़ दद्दा मम्मा कुद्दम। कुद्दम हुंदा पुठे पासे नूं बाला भजना। लोकी कुद्दम ज्यादा करदे ने, ये माया लई उद्दम करदे ने, पर परमात्मा लई कोई उद्दम नहीं करदा। कहने जी उद्दम किवें करिए, ब्रह्म ज्ञानी नूं पुछिया दोनों ने। कहने देखो ऐ गल है, परमात्मा की प्राप्ति लई कुछ असूल हुंदे ने, उह तुहानूं अपनाउणे पैणे। मान त्याग कर भगत ठगौरी, मोह साधु संतै। सो इस करके मान हंकार नूं त्याग के साधुआं दे, मोह साधु मंतै। मंत्र तो भाव हंकार नूं त्याग के साधुओं के मंत्र नाल, उन्हां दी सलाह नाल भगती रूपी ठग बूटी करके उन्हूं मोहना करिए। जिवें ठग हुंदे ने उन्हां कोल एक बूटी हुंदी है, पुराने टाइमां चों मल के तुरे जांदे बंदे नूं संघा दिंदे सी, उह बेहोश हो जांदा सी। सो इत्थे महाराज ने उही अलंकार दिता कि होर परमात्मा किसी होर ठग बूटी नाल बस नहीं आउंदा। जे कोई कहे मैं ठगनियां मार लवां, चलाकियां मार लवां, शॉर्टकट मार लवां, महाराज कहें नहीं, वह भगती रूपी ठग बूटी करके उन्हें मोहना करिए। भगत ठगौरी मोह है साधु मंत है। जदों आप भगती रूपी ठग बूटी नाल उन्हें मोहना करांगे, सखी बस आया फिर छोड़ ना जाई, ए रीत भली भगवंत है। ये सखी एक बार वसी कर आया होया फिर छड़ के नहीं जाता, भगवंत की यही कीती सब तो चंगी गल है, यही रीति उहदी सब तो वधिया है। नानक जरा मरण पै नरक निवार, पुनीत करै तिस जनता। धन गुरु अर्जन देव साहब महाराज गौड़ी राग च बख्शिशां करदे कि जिहदे वसीकार हुंदा है उहदा जमना मरना बुढ़ेपा सब कट दिंदा, नरक भी कट दिंदा, भय भी दूर कर दिंदा, फिर उह पुरश नूं पुनीत कर दिंदा, पवित्र कर दिंदा, अच्छी तरह बहुता ज्यादा पवित्र कर दिंदा। सुन सखीए यह भली बेनती, एहो मतांत पकाई है। ये सखी मेरी यह भली बेनती सुन तू ध्यान नाल, असी आपस विच बैठ के यह मतांत हुंदा सिद्धांत पक्का कर लईए, पक्की सलाह कर लईए। आपां क्या आप रब नूं मिलण वाले,
ਕਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ, ਕਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੱਕੀ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਉਪਾਧ ਰਹਿਤ ਹੋਏ, ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਹਗਾਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰਕ ਉਪਾਧੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਕਰੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੱਕੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ। ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਮਨਾਸ ਸਹਿ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਉਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਭਰਮ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਮਨ ਇੱਛਿਤ ਫਲ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਰਾ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਪਕ ਜੋ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੱਧਮ ਸਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਬਚਨ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਹਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਪੰਜਵੀਂ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਜੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸਟੇਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਪਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਮੋ ਰਜੋ ਸਤੋ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਖੀ ਇੱਛ ਕਰੀ ਨਿਤ ਸੁਖ ਮਨਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੁਜਾਏ। ਇਹ ਸਖੀ ਉੱਤਮ ਮੱਧਮ, ਮੈਂ ਨਿਤ ਇੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸੁਖਣਾ ਵੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਆਸਾ ਪੁਜਾਏ, ਪੂਰਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ। ਚਰਨ ਪਿਆਸੀ ਦਰਸ ਬੈਰਾਗਨ, ਪੇਖੋਂ ਥਾਨ ਸੁਭਾਏ। ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਹੋਈ ਹੋਈ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਮ ਮੱਧਮ ਸਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੋਜ ਲਹੋ ਹਰ ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੰਗ, ਸਿਮ੍ਰਿਥ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ। ਇੱਥੇ ਸਿਮ੍ਰਿਥ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਸੱਸੇ ਟਿੱਪੀ ਮੰਮੇ ਸਿਹਾਰੀ ਪੈਰ ਚਰਾਰਾ ਥੱਥਾ, ਸਿਮ੍ਰਿਥ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿਮ੍ਰਿਥ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੋਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸੰਤ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਸੰਤ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਮਿਲਿਆ ਸੁਰਜਨ, ਸੁਖਦਾਤਾ ਸੇਵਟ ਭਾਗੀ ਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸੁਰਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਸੁਰਜਨ ਸੁਖਦਾਤਾ। ਇਹ ਮਾਏ ਸਖੀ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨੋਂ ਸਖੀਆਂ ਉੱਤਮ ਮੱਧਮ ਤੇ ਮੱਧਮ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਉੱਤਮ ਮਹਾਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣੋ ਭਾਈ, ਸਖੀ ਨਾਲ ਵਸਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਹ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਹਰ ਸੰਗ ਹਿਲਿਆ। ਹੇ ਸਖੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਹ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਸਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਹਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗਿੱਜ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਈ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿਲ ਗਏ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਸਖੀਏ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਭਲੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਖੀਏ ਸੁਣਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪੀ ਨਿੰਦਰਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪ ਨਿੰਦਰਾ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਭ੍ਰਮ ਖੋਇਓ ਸਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੁਆਮੀ, ਪ੍ਰਗਾਸ ਭਇਆ ਕੌਲ ਖਿਲਿਆ। ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਹਿਰਦਾ ਕਮਲ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿੜ ਪਿਆ ਮੇਰਾ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਵਰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਨਾਨਕ ਸੁਹਾਗ ਨਾ ਟਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਰੂਪ ਵਰਪਤੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਹੋਇਆ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ।